हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सर्दियों में हम गाजर का हलवा तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें शुगर होने की वजह से कैलोरीज भी बढ़ने का डर रहता है। तो उसका भी मैं सलूशन लाई हूँ यहाँ पे। मैंने बनाया है गाजर का हलवा जो विदाउट शुगर है और उसमें मावा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने गाजर को साफ करके उसे कद्दूकस कर लिया है। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे बॉईल करके मैश कर सकते हैं। फिर मैंने प्रेशर कुकर में घी के साथ और मिल्क के साथ इसे रख दिया है पकने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है। तो ये जो मेरी गाजर की क्वांटिटी है वो 1 kg है। यहाँ पे मैंने लीड लगा के सीटी लगने तक पकने के लिए रख दिया है। फिर सीटी लगने के बाद हमें इसे थोड़ा ठंडा होने पे खोलेंगे। ये देखिए इस तरह गाजर हमारी थोड़ी कुक हो चुकी है, पर अभी दूध भी हमें इसे चलाते हुए गाढ़ा करना है। तो दूध गाढ़ा होने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं ड्राई रेट्स यानी कि छुआरे। तो आप कोई से भी छुआरे ले सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लैक वाले छुआरे लिए हैं, उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये कुछ इस तरह से ये पिसके तैयार है। फिर मैंने यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने आलमंड्स लिए हैं। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और फिर मैंने एक पैन में घी गरम करके उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को पका लिया है। बीच बीच में हमें हलवे को भी चलाते रहना है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने रेजिन्स भी लिए हैं यानी कि किशमिश, पर किशमिश मैंने घी में नहीं पकाई है क्योंकि वो पकाने से थोड़ा फूल जाती है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। फिर यहाँ मैंने लिया है इलायची, जिसका मैं इलायची पाउडर बनाऊंगी। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं या फिर घर पर भी इलायची पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं हलवे को मीठा करने के लिए अपने वही ड्राई रेट्स का पाउडर और ये हनी यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने छुआरे का पाउडर और 4 बड़े चम्मच शहद ऐड कर दिया है। जब मिल्क अच्छे से पूरा गाढ़ा हो चुका है दूध, उसके बाद मैंने ये सब ऐड किया है। और हनी जो मैंने यूज़ किया है वो कोई बाज़ार का हनी नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया होगा हनी है। फिर मैंने ऐड किया है किशमिश और इलायची पाउडर। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने घी में भून के रखे हुए हैं। छुआरे में खूब सारा फाइबर होता है, तो इसे आप थोड़ा सा रख के खाएंगे अगर तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि फाइबर की वजह से थोड़ा सा क्रंचीनेस टेस्ट आता है। अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर रखने के बाद
खाएं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह हमारा गाजर का हलवा तैयार है विथ नो शुगर। आप भी ट्राई करके देखिए, काफ़ी हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी। So that's it for today. Thank you for watching.